जब बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ ही अपनी बेटी श्वेता बच्चन को भी अपनी प्रॉपर्टी का हकदार घोषित किया तो सभी जगह उनकी वाहवाही हुई। और अब ऐसी ही वाहवाही लूटने की मुहिम छेड़ी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जी हाँ, योगी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत अब अविवाहित बेटियों को भी बेटे के बराबर का हक मिल पाएगा। लेकिन इस हक को दिलाने के लिए जो संशोधन होने हैं, उसे समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी होगा कि प्रॉपर्टी में बेटियों को हक ना मिलने से आखिर किन जगहों पर उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक किसी शख्स की मृत्यु पर उसकी विधवा पत्नी, बेटे और अविवाहित बेटी को संपत्ति में हक मिलता है। लेकिन इस नियम में पेच वहां आ जाता है जहां खातेदार से पहले उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में पोते को तो संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन अविवाहित पोती को संपत्ति में हक नहीं मिल पाता। इसी तरह किसी निसंतान शख्स की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति भाई के उत्तराधिकार में चली जाती है। लेकिन अगर भाई की मृत्यु निसंतान शख्स से पहले हो जाती है तो निसंतान शख्स की संपत्ति में भाई के बेटे को तो उत्तराधिकार मिलता है, लेकिन भाई की बेटी यानी भतीजी को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता। घर में लड़के लड़कियों में इन्हीं भेदभाव के मद्देनजर योगी सरकार ने दोनों को बराबर का हकदार बनाने के लिए अहम कदम उठाने की योजना बनाई है। अब अविवाहित बेटी को बेटे के बराबर का हक देने के लिए राजस्व संहिता की धारा 108 और धारा 110 में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन में राजस्व संहिता की धारा 108 ज में पुत्री का पुत्र के संग पुत्री, 108 ट में बहन का पुत्र संग पुत्री और 108 ठ में सौतेली बहन के पुत्र के संग पुत्री जोड़ा जाएगा। वहीं धारा 110 में भी जहां जहां पुत्र के अधिकार थे वहां पुत्री को जोड़ दिया जाएगा। योगी सरकार बजट सत्र में विधेयक पास करा अविवाहित बेटियों के भी पुश्तैनी अधिकार पर पूरी तरह से मुहर लगाना चाहती है और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में योगी सरकार का बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, लखनऊ।